एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में कोरोना के प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ताजा अपडेट आंकड़े क्या कुछ हैं, चलिए इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो बिहार में 1076 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जी हां, इनमें 29 जुलाई को 349, 18 जुलाई को इससे पूर्व 727 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। जी हां, वहीं अगर हम 8 कोरोना संक्रमित की बात करें जो व्यक्ति थे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके साथ ही बिहार में अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें तो संख्या जो है वो बढ़कर 27,455 हो गई है और मृतकों की संख्या 187 पहुंच गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 17,535 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। वहीं राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 63.78% हो गई है। जी हाँ, तो ये भी एक रिकवरी रेट है जो सुधार हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 29 जुलाई को 349 नए संक्रमितों में पटना में 55, अरवल में 14, औरंगाबाद में 1, बांका में 14, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 24, भोजपुर में 26, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 15, गया में 35, जहानाबाद की बात करो तो 22, कटिहार में 1, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 1, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 32, पूर्णिया में 6, समस्तीपुर में 16, शेखपुरा में 6, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 4, सुपौल में 23 और वैशाली में 5 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। हम बात कर ले प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में 938 संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में 63% से अधिक, जी हाँ 63% से अधिक संक्रमित व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। जी हाँ, वहीं साथ ही विभाग ने अगर डॉक्टरों की बात करो तो डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों की निगरानी करने का भी निर्देश दिया है, यानी जो होम आइसोलेशन में रहेंगे उन पर डॉक्टर की नजर रहेगी। एक दिन में 10,118 सैंपलों की जांच हुई। जी हाँ, जो सैंपलों की जांच हुई उसके बारे में आपको अपडेट करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 10,118 सैंपलों की कोरोना जांच की गई है। वहीं अब तक 388,626 सैंपलों की जांच, कोरोना जांच जो है वो की जा चुकी है। राज्य में अब अनुमंडलीय अस्पतालों में भी एंटीजेन से कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। जी हम आपको एक खुशखबरी बता दें कि राज्य के अस्पतालों में भी अब कोरोना के जो जांच है वो होंगे और लिस्ट भी जारी किया गया है, उसकी भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यानी प्रकोप जो है देखिए 27,000 के पार जा चुका है, आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कोरोना के तमाम अपडेट में आपसे यही अपील करता हूं और करता रहूंगा कि आप लॉकडाउन का पालन करें। जब तक बिहार में लॉकडाउन है घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग जरूर से जरूर करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। बने रहिए एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार।